नमस्कार, आप देख रहे हैं ईबे पर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री द्वारा डेंगू रोकथाम के लिए जागरूकता रथ को समारणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जागरूकता रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घूमकर लोगों को डेंगू रोग और उसके रोकथाम के बारे में जागरूक करेगा। मौके पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि डेंगू के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जन भागीदारी जरूरी है। उन्होंने लोगों से डेंगू को लेकर जागरूक रहने और उसके रोकथाम के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने की अपील की। कहा कि डेंगू का प्रसार जिले में नहीं हो, इसमें प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिले में डेंगू का जो संख्या जो घटाने के लिए हम लोग एक जागरूकता रथ भी इस शहरी इलाके में घूमेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल शाम तक 150 से भी ज़्यादा लोग भर्ती थे अस्पताल में, विभिन्न अस्पताल में, और उसमें एक व्यक्ति आईसीयू में भी थे, लेकिन सभी लोग स्टेबल हैं। तो ये जो है एक सप्ताह तक पूरे शहर में घूमेगी और लोगों को प्रचार प्रसार करेगी कि डेंगू को रोकने के लिए भी क्या क्या करना है। विशेषकर जो पानी कहीं पर भी स्टोर्ड नहीं रहना चाहिए, ऐसे जगह पर जो स्टैग्नेंट रहे, या मच्छरदानी का उपयोग हो, और कहीं पे भी तो कोई समस्या है तो डॉक्टर का जो है मदद ले। तो और 5 दिन से ज़्यादा फीवर रहेगा तो वो उसको उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, साफ़ सफाई को लेकर के क्या किया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में, मानगो के क्षेत्रों में गंदगी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं डेंगू और चिकनगुनिया के पनपने का सबसे बड़ा कारण साफ़ सफाई। तो इसके संबंध में कल ही हमने चारों जो नगर निकाय बॉडी है उनके साथ मीटिंग करके कि स्वच्छता के संबंध में संपूर्ण समीक्षा करने के लिए उनके अंदर उनके इंटरनल रिव्यू मीटिंग करने के लिए हमने बताए हैं। और कल भी जो है हम लोग जिला स्तर से उसका समीक्षा कर रहे हैं। जहाँ पे भी ड्रेनेजेस है उस सभी उसको जहाँ बंद हुआ है वो सब कुछ उसको ठीक करें, और साफ़ सफाई का विशेषकर जितने लोग सफाई कर्मी हैं, कितने जो लोग सुपरवाइजर्स हैं, कितने गाड़ियां हैं, वो सही में संचालन हो रही कि नहीं हो रहे हैं, उसके संबंध में हम लोगों ने डायरेक्शंस दिए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। सर, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई? तो स्वास्थ्य विभाग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार है, जो कहीं पर भी अगर किसी को कोई समस्या है तो, खासकर ये जो डेंगू अगर किसी को होता है तो अस्पताल में तो हम लोग जो टेस्ट करने का हो गया, किटिंग टेस्ट किट हो गए, और एडमिशंस का हो गया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वो सारे चीज़ अवेलेबल है। तो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई समस्या? ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।